इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने राज्य में एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया है। आपको बता दें, बुधवार को छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस हाईकमान की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव पहुंचे थे, जिसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। उधर इस बदलाव के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने की कोशिश में अहम कदम बढ़ाया है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर सीएम बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, हैं तैयार हम। महाराजा साहब को उपमुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने कांग्रेस को सत्ता में दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जीत के बाद प्रदेश में भूपेश बघेल को कमान सौंपी गई। कहा जाता है कि तब दोनों नेताओं के बीच के रिश्तों में खटास आ गई। चुनाव के बाद से ही भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई। इसका ट्रेलर लगातार 2.5 साल तक देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में लगातार टीएस सिंहदेव और सत्ता के बाकी मंत्रियों के साथ अनबन की खबरें आती रहीं। पिछले साल अपने विभाग की जिम्मेदारी नहीं उठा पाने की बात कहकर टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा देकर भी अपनी नाराजगी जताई। हालांकि कई मौकों पर दोनों नेताओं को साथ भी देखा गया। वहीं टीएस सिंहदेव को यह जिम्मेदारी मिलते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। ऐसे में कांग्रेस का यह फैसला पार्टी के अंदर के अनबन को खत्म कर पाता है या नहीं, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।